तो हेलो गाइस, क्या हालचाल। अभी हम निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस। आज हमारा एग्जाम, एक और एग्जाम है और हर दिन एग्जाम आ रहे हैं। बहुत संकट, धर्म संकट वाली स्थिति है हमारी। अभी दूसरे कोर्स का एग्जाम चल रहा है, हमारा थोड़ा लेट होगा। तो गाइस, बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो आप, चल रहा है एडमिशन और पेरेंट्स लोग बाहर अंदर आने लगे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ गाइस, एडमिशन कर दे। और अभी हम एक क्लास में है, LT। देखो इतनी बड़ी है, नॉर्मल क्लासेस थोड़ी छोटी रहती है, पर ये LT वाला रूम होता है जो बहुत बड़ा होता है। लेक्चर थिएटर वो ऐसा कुछ नाम होगा इसका। और अभी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पे, बाद में पढ़ाएंगे जब हम थोड़ा सीनियर ईयर में चल जाएंगे। इस वीडियो में ज़्यादा मैं यही बताऊँगा कि एडमिशन सीजन चल रहा है तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जितना मुझे पता है। तो पहला तो ऐसे सीन है कि बहुत लोग ऐसे जा रहे हैं ना, जो मैंने ग्राफिक की वीडियो डाली थी तो मैंने सोचा बनाई देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हम जब एडमिशन लेते हैं तो हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। वो 1250 रुपये उसकी फ़ीस होती है। तो उसे ये होता है कि उस फॉर्म को फिल करने के बाद हमें एक स्लॉट मिल जाता है ग्राफिक एरा में। मतलब एक तरीके से ग्राफिक एरा वाले आप कन्फर्मेशन लेना चाहते हैं कि आप इंटरेस्टेड हो कॉलेज में हमारे। उसके बाद वो आपको ईमेल या कॉल के थ्रू कनेक्ट करते हैं आपके साथ, वरना ऐसे किसी को भी कनेक्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1250 रुपये फीस भरोगे तो थोड़ा आपको वो देंगे, रिस्पॉन्स देंगे अच्छे से। सो गाइस, ये है हमारे ग्राफिक एरा का फ़ायदा। देहरादून का व्यू देख सकते हैं आप पूरा यहाँ से। आजकल देहरादून का मौसम बहुत सही हो रखा है, बारिश वरिश हो रही है और बढ़िया लग रहा है भाई यहाँ से देखने में, बहुत सुकून जैसा लगता है। सब अपने नीचे है। हेलो 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 हेलो। तो भाई अभी पता चला है कि वो फॉर्म 1500 रुपये का है, ना कि 1250 रुपये का। तो और अगर वो फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन भरना है, यहाँ आकर मत भरना। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यहाँ आकर भाई तुम्हें बहुत झमेले होंगे भाई यहाँ पर। मतलब तुम्हें पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराया जाएगा, फिर तुम्हें स्लिप दी जाएगी, फिर तुम्हें घुमाया जाएगा इधर से उधर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, यहाँ आकर स्लिप देते हैं वो, फिर तुम्हें जाना पड़ता है और बस हो जाता है, जल्दी हो जाता है उसमें। तो ऑनलाइन फॉर्म भरिए, आपको एक स्लिप मिलेगी, फिर उसके बाद आपको ना मतलब एक काउंसलर टाइप मिलेगा जो आपको पूरे फीस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा आपके कोर्स का जो आपने सेलेक्ट किया है। तो आपको पूरे 4 साल की या 3 साल की जितने साल का कोर्स होगा वो बताएगा फ़ीस क्या रहेगी। और अगर आपकी स्कॉलरशिप लग रही होगी तो वो भी बताएगा कि आपकी कितनी कम होगी इसमें। अगर आप बीटेक कर रहे हो और अगर आपकी 75% आ रही है PCM में तो आपकी स्कॉलरशिप लगनी शुरू हो जाएगी। मतलब 75 से ऊपर जैसे और अच्छे मार्क्स होंगे तो और अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी फीस में। तो आप जेईई मेंस के स्कोर से भी एडमिशन ले सकते हो, उससे भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वरना 10+2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग में मिल जाएगी। और इस साल शायद से CUET के मार्क्स कंसिडर कर रहे हैं वो, पता कर लेना एक बार। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। हेलो गाइस, आप लोग के पेरेंट्स आर्मी में हैं, आपको 5% का डिस्काउंट मिलने वाला है इन ग्राफिक एरा के अंदर, ठीक है? और आप हिमालय रीजन से बिलोंग करते हो तो आपको 25% का एप्लीकेबल डिस्काउंट मिलेगा। और इट्स अ गुड न्यूज़ गाइस, इफ यू आर स्पोर्ट्समैन यू कैन अवेल स्कॉलरशिप अंडर स्पोर्ट्स कोटा। उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेवल A, लेवल B, लेवल C। अगर आप नेशनल खेला है, नेशनल कैंप में हो तो लेवल A के अंडर आप स्कॉलरशिप अटेन कर सकते हो। लेवल B उससे नीचे लाइक नेशनल खेला या किसी ने डिस्ट्रिक्ट खेला है, और लेवल C और उससे नीचे। तो या और फाइनली गाइस, अगर आप लड़की हो तो सारा पैसा बच जाएगा गाइस, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलना ही मिलना है आपको। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे फॉर्म में पता चल जाएगी, आपको लिखा होगा सब। तो वो काउंसलर आपकी पूरी फीस कैलकुलेट करके देगा, आपको पूरे एक्सप्लेन करेगा मतलब कैसे करना है। आपका अगर बीटेक हो रहा होगा, मतलब आपकी स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर की जा रही होगी 1,50,000 तक, और बाई चांस अगर आपकी स्कॉलरशिप लगती है और बाकी सब चीज़ें लगती है तो आपकी वही पहुँच जाएगी 80-90 के आसपास पहुँच जाएगी। तो पूरे फीस कैलकुलेट करने के बाद आपको बोलेंगे एडमिशन फीस भरो अपने कोर्स की। हर कोर्स की अलग अलग होती है, और कुछ 5-10 हज़ार क्वेश्चन फी भी लेते हैं, रिफंडेबल होती है, जो आपको 4 साल के बाद वापस मिल जाएगी। 50,000 तो आपको पहले देनी ही देनी है, 50,000 से आपकी एक बारी में सीट बुक हो जाती है। अगर आप 50,000 नहीं दोगे तो आपकी सीट बुक नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो सिर्फ ऐसे ही भरने के लिए होता है, आपकी सीट जो होगी बुक वो 50,000 से होगी अगर आप 50,000 दोगे। तो 50,000 आपकी फ़ीस से कट जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं होगी, वो अलग से ही पैसे हैं। मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग में 50,000 दे दी, हाँ। तो आपकी जो रिमेनिंग बची ना, वो रिमेनिंग आप बाद में दे सकते हो, पर आपको 50 देनी ही पड़ेगी स्टार्टिंग में। पर ये बीटेक का है, दूसरे कोर्सों में कम है, इसमें इससे कम है। तो भाई देख सकते हो आप, दिन दोपहरी में ग्राफिक एरा के बाहर का नज़ारा, चमचमाती धूप है, चिड़ियाएँ उड़ रही हैं, बढ़िया सीन है भाई। तो भाई हम बैठे हैं अभी हमारे कंप्यूटर लैब में, लैब खाली है इसलिए बैठ रखे हैं। बाकी जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है इतना ही है। अगर आपको हॉस्टल बुक करना है, जैसे आप बाहर से आ रहे हो हॉस्टल वगैरह करना है, तो हॉस्टल के अलग चार्जेस हैं। सिंगल AC रूम के 175 के, डबल AC रूम के 160 के,
ट्रिपल एसी रूम के हैं 135 के, और ट्रिपल नॉन एसी रूम के हैं 1,10,000 रुपीज़ साल भर की फ़ीस है हॉस्टल की। और हॉस्टल में अगर आपको चाहिए चाहिए तो आप जिस समय एडमिशन लोगे ना उसी टाइम करवा देना, बाद में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हॉस्टल उतनी ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं है रूम्स की, तो पहले ले लेना अगर आपको लेना है तो, वरना आस पास यहाँ बहुत सारे रूम मिल जाएंगे आपको रेंट पर सही रेट पर, वो ज़्यादा बेटर रहता है वैसे तो हॉस्टल लेने से बढ़िया। बाकी ये हमारा लैब, हम खा रहे हैं खाना और मैकबुक भी हमारे साथ है भाई का इसमें होगी तो मान लिया एडिटिंग सवाल कुछ कर रहे हैं, सब्सक्राइब करो ना, वॉच टाइम बढ़ाओ भाई का जरूर भाई जरूर। तो भाई अब छुट्टी हो चुकी है कॉलेज की, मैं जा रहा हूँ घर। तो बस भाई ये वीडियो इतनी है, ज़्यादा लंबा कुछ प्रोसेस नहीं है, ईजी है, जाओगे सब एक्सप्लेन कर देंगे, उसी लिए बैठे यहाँ पे हो। बाकी अगर कोई भी क्वारी है तो कमेंट करो यार, कमेंट में बता दूंगा सब कुछ। और अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा ग्राफिक एरिया का कैंपस टूर करवाऊँ आपको और सब कुछ और ढंग से बताऊँ कि मतलब एडमिशन के बाद क्या होता है, एडमिशन तक का तो मैंने बता दिया, तो फिर कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो लाते हैं उसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ढंग से बताएंगे। इतनी गर्मी में बिना एसी खोले, विंडोज़ अप है क्योंकि एसी से साउंड आता है और विंडो नीचे करूँ तो भी साउंड आता है, हालत ख़राब होगी भाई, पसीने ही पसीने भाई। एडमिशन की दिक्कत नहीं लेना कोई, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कर लो, अगस्त तक भी आराम से करवा सकते हो, सितंबर स्टार्टिंग तक भी करवा ही देंगे वो एडमिशन, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि जल्दी जल्दी करा दो कि सीट्स भर रही हैं ऐसा वो बोलते हैं, तो टाइम लो, फीस वगैरह का अरेंजमेंट करो और करा दो एडमिशन। बाकी ना इस वाली वीडियो को देख रहे हो और एडमिशन ले रहे हो तो बताना मुझे, मैं इसके बाद एक और वीडियो बना सकता हूँ रियलिटी ऑफ ग्राफिक एरिया टाइप, मतलब ढंग से बताऊँगा सब कुछ, खाली प्लेसमेंट देख के ले सकते हैं एडमिशन।